Good morning, student. My screen is visible to you. Yes, Ashwini, Bhavna, Mandeep, Neha, Tanmay. Screen visible hai beta? Voice audible hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now see, in the last lab, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे भी तुम्हें ये सारे लाइव क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे जो लास्ट वीक अपन ने क्या किया था. अभी स्टार्टेड विद अ प्री लैब एंड एवरीथिंग. यू कम ट्राई टू कंप्लीट योर प्री लैब ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल एंड हाउ यू नीड टू कनेक्ट दैट आल्सो आई ऑलरेडी बीन टोल्ड यू. सो बिफोर एंड इन द लास्ट क्लास पर्टिकुलरली ऑन अ ज़ाइलिंक्स 8.1 वी कंप्लीटेड NOT gate, AND gate, and OR gate. So I explained you with the help of data flow and structural modeling. Today, half adder using full adder, I will let you done by the structural modeling. Have you all installed? Anyone? Phalanx ISC, किसी का install हुआ है? Phalanx 8.1 I install. See, today and on Saturday, I will take your lab and perform practical on a toolbox. From next week, I will start explanation part only. क्योंकि मैंने ये डाउनलोड या ये सारा इसीलिए किया था कि पर्टिकुलरली तुम लोग कर सको. मंदीप तुम्हारा इंस्टॉल हुआ क्या बेटा? अश्विन, मंदीप, नेहा, वंदना, तन्मय, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये तो बताओ. नहीं तो इस वीक तो ठीक है, मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर में करा रही हूँ. अदरवाइज ओके फाइन. इफ यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मेरा मेन पर्पज यही था क्रैक वर्जन या ओपन सोर्स टूल बॉक्स या किसी तरह के टूल की तुम भी घर बैठे उस चीज को इंस्टॉल कर पाओ और करो. बट ठीक है, स्पीड नहीं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है इशू. तो आज मैं हाफ एडर एंड फुल एडर का बता रही हूँ. देन सेकेंड कोड कन्वर्टर मैं नेक्स्ट उसमें कराऊंगी, ठीक है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक से ओनली एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो फिर तुम्हें जैसे अब यू नीड टू सी मार्क्स भी तुम्हें लाने हैं और फिर चीजें किस तरह से ग्रैप करना है वो देखो. प्लीज फील फ्री एंड कम्युनिकेट टू मी. हाँ नेहा, वंदना, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है ये तो बताओ बेटा. व्हाट इश्यूज? पीसी नॉट अवेलेबल. तो मैंने उसका परसों भी पायल को कहा था ना, लास्ट वीक ट्राई टू इंस्टॉल ऑन मोबाइल. मोबाइल पे करके देखो. मोबाइल पे ट्राई किया क्या तुमने? हाँ बोलो जल्दी बेटा. ऐसे साइलेंस डजंट मीन्स लाइक सॉल्यूशन, क्योंकि कोरोना तो देखो अभी 31 तक तो आ ही गया है. लाइक नो कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू ओपन. आफ्टर दैट सी व्हाट विल बी द गाइडलाइंस. वट एवर विल बी द गाइडलाइंस, दिवाली विल बी देयर एंड यू नीड टू सबमिट योर फाइल एंड एंड ऑफ सेशन इज गोइंग टू बी देयर. सो जस्ट, और अगर उससे पहले खुल जाते तो बहुत अच्छा है, मेरे पास है, तुम कर लेना. लेकिन लैब एक तरह से ऑफिशियली यहाँ इधर से तो कंप्लीट हो जाएगी ना. राहुल बोलो लेट मी स्टार्ट. ऑलरेडी आई हैव अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम बेटा. मैम द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग वाज मैम वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है. वो डाउनलोड होता है वो 10-15 एमबी तक पहुंचता है, वो रिट्राई हो जाता है उसमें साइट में. वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है. वो मतलब एक बार डाउनलोड हो इंस्टॉल हो तो वो मतलब वर्क करके बता भी सकते हैं कि चल रहा है या नहीं, पर वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है. मैंने कम से कम 3 या 4 बार ट्राई करा, फोन में भी करा और लैपटॉप में भी करा.
चलो मैं एक बार, जैसे मेरे लैपटॉप पे भी हो गया है, मेरे सिस्टम पे भी हो गया है, मैं एक बार मोबाइल पे, नॉट ऑफ माइंड, अनदर मोबाइल या एक हैंडसेट पे ट्राई करके देखती हूँ। नहीं तो फिर अपन ऐसा करें क्या, इट्स अवर म्यूचुअल डिस्कशन, कि अभी मैं स्ट्रक्चरल और ये प्रोग्रामिंग, एक फ्लिप फ्लॉप का भी प्रोग्रामिंग तुम्हें नेक्स्ट सैटरडे लैब में करा दूंगी, ठीक है? फिर जब भी अगर कॉलेज हो, फिर तुम लोग लैब की कंप्लीटेशन तो कर लो, ठीक है? और रिजल्ट, और इसके लिए वेट करो, अगर लॉकडाउन खुल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर नेट पैसे लेके या जैसे भी देखना करोगे। और मैं फिर तुम्हें इस वीक के बाद अगले वीक से सारे प्रैक्टिकल एक एक टर्न पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड एज फार एज स्कैमेटिक एंड लेआउट प्रोग्राम्स आर कंसर्न, तो उनकी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें हाथ से ही लिखना है। उनके जो डायग्राम्स बनते हैं सॉफ्टवेयर में, वो तुम स्क्रीनशॉट या इस तरह से ले लेना जब मैं पढ़ाऊंगी, और उसका प्रिंट निकाल के और फिर तुम्हें लगाना रहे। अभी के लिए हम यही मान के चल रहे हैं कि इन सच अ पेंडेमिक सिचुएशन अगर दिसंबर तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें फाइल सबमिशन अक्टूबर में दे दूंगी, इज इट फाइन? ओके, क्योंकि मतलब 23 में से कोई एक भी नहीं कर पा रहा। बोलो नेहा, मंदी, बोलो वंदना, ठीक यस है मैम, ना? यस मैम, यस मैम, तो ठीक है, यस मंदी, मैम, तन्मय, तुम लोग भी बोलो, अश्विनी। और अगर मीनवाइल ऐसा होता है कि कॉलेज खुल जाते हैं, तो हाँ तो जैसे मैम मेरा भी है कि लेट्स मेरे मेरे बोलो अश्विनी, यस बेटा, यस मैम, देखो अगर क्लियर। मीनवाइल बीच में कॉलेजेस खुल गए तो तुम पेन ड्राइव लेकर आना, मेरे सिस्टम पे तो है, यू कैन टेक। अभी 15 दिन हो गए, नो मोर डिस्कशन ऑन इंस्टॉलिंग एंड ऑल, इट इज अवर फाइनल म्यूचुअल डिस्कशंस। लाइक इस वीक तो मैं तुम्हें एक तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और एक क्लॉक मतलब सिक्वेंशियल सर्किट के एक दो प्रोग्राम रन करा के बता देती हूँ। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू एज पर शेड्यूल 11 प्रैक्टिकल्स जो है, टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट कर लेते हैं इस मंथ, और नेक्स्ट मंथ की तुम्हें मैं एक डेट दे दूंगी, तब तुम्हें फाइल गूगल क्लासरूम पे जमा करनी। अगर लेटर और सी इफ कॉलेज खुल भी गया, तो जैसे मेरे किड्स भी हैं स्कूल खुल भी गए, सो आई विल वेट फॉर सम टाइम, सो यू आई डोंट थिंक योर पेरेंट्स विल अलाउ 10 to 15 days टू कम कॉलेज। तो मैं तो मान के चल रही हूँ कि ये सेमेस्टर ऑनलाइन में ही तुम्हें जमा करना है, तो लेट मी डू दिस प्रोसेस। बट मीन वाइल अगर कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है तो तुम आके सॉफ्टवेयर ले लेना और फिर एग्जीक्यूट कर लेना। बट मैं मेरी तरफ से आप आई कैन नॉट हैव मोर डिले, बट यस ऑफकोर्स दैट इज नॉट द केस। जनरली मैंने यही सोचा था कि सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करोगे, एक प्रोग्राम यहाँ करेंगे, दो प्रोग्राम आई विल गिव यू फॉर द नेक्स्ट वीक, फिर उसकी जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो अपन स्क्रीन शेयर करके तुम्हारी, ओके ये आ रहा है, उसमें हैंड्स ऑन में बहुत इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को और प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। अभी इट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन एंड लैब इज नॉट द थ्योरी ना, सो हियर वी आर स्टार्टिंग, ओके? सो बिफोर स्टार्टिंग हाफ एडर एंड फुल एडर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, और उसमें क्या क्या करना है, ठीक है? और फिर सेकेंड प्रैक्टिकल का मैं लाइव तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताऊ, फाइन? सो नाउ नो मोर आई एम नॉट गोइंग। अगर कि इस बीच किसी स्टूडेंट का हो जाता है इंस्टॉल वगैरह, सो ही और शी में इन्फॉर्म मी इन अ ग्रुप और व्हाट्सएप और इन अ मीटिंग ऑल्सो, लाइक हमारा हो गया है तो, और अगर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहेगी आई एम हियर टू डिस्कस, फाइन? सो बिफोर गोइंग फॉर अ लाइव प्रोग्रामिंग, फर्स्ट प्रैक्टिकल जो था वो उसमें मैंने एंड बता दिया है, बट ऑन द सिमिलर वे यू कैन परफॉर्म नैंड एक्सोर एवरी। व्हाट यू कैन डू हियर, लाइक ऑब्जेक्ट लिखना है, टूल लिखना है, थ्योरी, और थ्योरी में जितने लॉजिक गेट्स तुम्हें बनाने हैं उन सब का लॉजिक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल यू नीड टू मेक। दिस इज एंड गेट, दिस इज एन एंड गेट, एक्सोर, एक्सोर का भी मैंने उस दिन तुम्हें बना के बताया था, और एक्सोर और एक्सनोर, ठीक है? नाउ VHDL कोडिंग, टू इनपुट एंड गेट इज गोइंग टू बी देयर, इसी तरह से अपन ने परफॉर्म किया था, ये वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है? ये इसकी प्रोग्रामिंग है,
और बाकी की भी प्रोग्रामिंग तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो तुम बनाना, कुछ डाउट हो तो तुम अपनी कॉपी शेयर करके यू कैन डिस्कस विथ मी। देन ये सब तुम्हें हाथ से लिखना है। सो हाउ नाउ यू आर इनिशिएट योर फाइल, फर्स्ट ये सब आप लिख लो, ये सारा लिख लो। प्रोग्रामिंग तुम्हें हाथ से लिखनी है, सॉफ्टवेयर की नीड तुम्हें आरटीएल स्कैमेटिक और सिमुलेशन वेबफॉर्म में चाहिए, ठीक है। सो पर्टिकुलरली अभी तो यही करो कि उसके लिए जगह छोड़ देना, और जिसका भी इंस्टॉल होता है वो परफॉर्म कर ले, और नहीं हो रहा है सो वेट। एंड द लास्ट नहीं तो रहेगा कि हाथ से ड्रॉ करना है या जैसे भी है ना, दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन। बाकी हमेशा मैं जस्टिफाई यही करती हूँ कि प्रिंट आउट होने चाहिए, अदरवाइज जब अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो पहले इन चारों प्रोग्राम्स के यू नीड टू राइट डाउन द VHDL प्रोग्रामिंग। सी दिस इज अ NAND गेट, डायरेक्टली मैंने इसको डेटा फ्लो से किया है, XOR XNOR, ये चारों प्रोग्राम्स डायरेक्टली आई डिड बाय द डेटा फ्लो मॉडलिंग एंड इट इज वर्किंग। तो प्रोग्रामिंग तो तुम कर लेना, ये RTL स्कीमेटिक है, इधर यू ड्रॉ और यू टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम गिविंग यू टाइम 2 मिनट्स। इसीलिए मैं कहती हूँ सिस्टम पे क्लासेस अटेंड करो, फिर इसका प्रिंट निकाल के तुम लगा लेना। Fine. Have you taken picture? Now synthesis report भी उसी में आएगी, result is this. This is AND gate waveform. I will make bit broader. ये सब स्क्रीनशॉट लेके जब तुम सॉफ्टवेयर पे भी करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देन वॉट यू नीड टू डू इज पेस्ट ऑन अ पैन, और फिर इसको स्क्रैप करके, इसको कट करके तुम DOC में ले सकते हो। दिस इज AND गेट 0001010101111, NAND में ये है, ठीक है, 1101001001, XOR गेट। ये पूरे चारों एक साथ नहीं आएंगे, पहले इन दो का ले लो, नॉट टेक दिस। ये XOR का है, XOR में क्या होता है, अपने Y is what? A bar B plus, sorry, A B bar. A bar B plus A B bar. Fine. So see, when one input is zero, the output is going to be zero, and when both are zero, output is going to be one. So 00 पे one है, 10 पे zero है, 10 पे 01 पे zero है, and when both are one, that means why? Because ये zero रहेगा, ये one भी हो जाए, तो भी zero है। ठीक है, जैसे दोनों जीरो हैं, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, वन भी हुआ तो वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, वन वन बोथ आर वन, दोनों, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, एक्सनॉर के केस में वेट अ मिनट, ये वाइस वर्सा लग रही है मुझे वेवफॉर्म,
this. When both are zero, output is going to be one. When both yes. और इसमें क्या होगा? Toggle होना चाहिए. When A is zero, B is one, then output is going to be one. When A is one, B is zero, then also output is going to be one. Yes. ये जो चीज है ये NOR गेट की है और ये OR गेट की है. Why? Because see, NOR में क्या है, जब दोनों जीरो रहेंगे तब आउटपुट वन रहेगा, दोनों वन रहेंगे तब आउटपुट वन रहेगा, और XOR में अपोजिट होंगे तब हाई रहेगा. फाइन, इज इट क्लियर बेटा? अंकित, वंदना, नेहा, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट वी परफॉर्म इन अवर लास्ट टू लेवल्स. मतलब मैंने XOR, NAND, NAND, sorry, AND, OR, or NOT का परफॉर्म किया, ठीक है. टुडे आई एम स्टार्टिंग टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिस, डिजाइन अ हाफ एडर यूजिंग फुल एडर. फाइन, सो थ्योरी में यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट डू यू मीन बाय हाफ एडर एंड फुल एडर डिजाइनिंग. सी, मेन पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस इज दिस. हाफ एडर में क्या होता है, ए बी को एक्सोर करेंगे तो सम मिलेगा और एंड करेंगे तो कैरी. सो दिस हाफ एडर वी आई एम गोइंग टू डिजाइन बाय यूजिंग डेटा फ्लो मॉडल. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ फुल एडर, फुल एडर में इधर आई कैन मेक बाय यूजिंग टू एक्सोर गेट, टू एंड गेट, वन ऑर गेट, अदरवाइज टू हाफ एडर एंड वन दिस. तो इस सर्किट को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है. व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस आई विल वी विल परफॉर्म स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. आई एम टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ Xilinx टूल बॉक्स. सो सी, फर्स्ट हाफ एडर जो है ए और बी है, ये इनपुट इसमें आ रहा है. तीन हमें सिग्नल्स इसमें चाहिए रहेंगे, लाइक एस वन, ये एस टू, और एक ये रहा एस थ्री. सिग्नल्स क्या होते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन अ थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ फाइनल जो लास्ट यूनिट थी उसमें, कि सिग्नल यू कैन एक्ट एज अ इनपुट एंड एज वेल एज आउटपुट. इट एक्ट एज अ वायर. व्हेन आई वांट टू यूज अ सेम सिग्नल एज अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सो इन दैट केस आई यूज पर्टिकुलरली सिग्नल. सो हाफ एडर जो फर्स्ट है उसके दो सिग्नल हैं, एक सिग्नल जो है सेकेंड हाफ एडर में जो आ रहा है एंड सेकेंड सिग्नल जो है वो ऑर गेट में जा रहा है. फाइन, एंड थर्ड इनपुट जो है वो हाफ एडर के अंदर आ रहा है, और फिर हाफ एडर का जो कैरी वाला है सम वाला, तो फाइनली ये सम को शो करेगा, और ये कैरी वाला जो है ये ऑर गेट में जा रहा है. तो थ्री सिग्नल्स वी विल नीड. For that, I just explain this. ठीक है? Now, this is a programming. This all, ठीक है? Directly हम इस तरह से इसको call करेंगे. So, this will be RTL schematic and everything that हम खुद भी perform करके justify करेंगे. ठीक है? These are the waveform of half adder. Then full adder using this we are designing. यहाँ से I will copy paste the whole program. ठीक है? ये मेन तुम्हें बताना है, ये पोर्ट मैपिंग कैसे होती है, क्या है. आरटीएल स्कीमेटिक इज लाइक दिस एंड द टेस्ट बेंच फाइल इज दिस. एबीसी सम एंड कैरी इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद अ Xilinx टूल बॉक्स फॉर दिस प्रैक्टिकल. ठीक है, तुम लोग के क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा, आई डोंट नो. नाउ लेट सी. We are making half adder, and after that I will leave the meeting. Again, you need to rejoin for the full adder design. ठीक है? Because इसको हमें है ना 40 minutes से अपन ज़्यादा नहीं कर पाते. Now see, जैसे ही मैंने Xilinx open किया है, this is my VD lab project. This is my logic family. Here I need to go and click on the family and new source. I am giving the name half adder. What I forgot, like I need to mention VHDL module half adder लिया. नेक्स्ट ए स्मॉल में लेते ए एंड बी इज माय इनपुट और लाइक विल टेक द सेम वन सो दैट
Some has and carry is this. These both are output, so I need to mention. Is it clear, beta? Next, finish. जैसे ये किया तो ये हाफ एडर हमारे यहाँ आ गया. क्लियर है सबको? तन्मय, वंदना, अंकित, अश्विनी, ओके ओके ठीक है. नाउ ये एंटिटी आ गई हमारा आर्किटेक्चर बिगिन. अब सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है. एस इज असाइन टू ए एक्सोर बी एंड सी इज असाइन टू ए एंड बी. ये मैंने डायरेक्ट डेटा फ्लो मॉडलिंग से किया. अगेन आई नीड टू बी हियर एंड सी. लास्ट क्लास में हम सिमुलेशन देख रहे थे ऑर्गेट का, तो ये बिहेवियरल सिमुलेशन पे ही है. उसको पहले सिंथेसिस इंप्लीमेंटेशन पे लाएंगे. एज सून एज आई पुट इट ऑन अ सिंथेसिस सिमुलेशन, यहाँ चेक सिंटैक्स, यू नीड टू डू ओके. फाइन, सो ये रन हो गया. अब इसके बाद हमें वापस न्यू सोर्स पे जाना है हाफ एडर को लेके, और अब हम करेंगे टेस्ट बेंच वेवफॉर्म. और इधर हम नाम ले रहे हैं एच ए टी टी, हाफ एडर टेस्ट बेंच वेवफॉर्म. नेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट वो ये डिजाइनिंग आ रही है, नेक्स्ट फिनिश. दिस विल कम. व्हाट यू नीड टू डू, सिंगल क्लॉक है तो क्लॉक अभी हम नहीं ले रहे हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशनल, यू नीड टू सेलेक्ट कॉम्बिनेशनल एंड फिनिश. This will appear. Now first you need to bring it to the behavioral simulation, and as you bring it to the behavioral simulation, here it is a process, behavioral simulation. Now in a Xilinx ISC you need to click on the simulation. Come mic on hai. Ankit mic off karo. ठीक है, अभी अपन ने इनपुट नहीं दिया था. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज दिस विल बी माय वेवफॉर्म. वेट, फाइन, हम शुरुआत से लेते हैं 001. ये हो गया, ये दोनों इनपुट हमने दे दिए. इसको तुम यहां से भी सेव कर सकते हो. जनरेट, यस, नाउ सी द रिजल्ट. 0 0 है तो सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा. व्हेन 0 1 इज देयर, सो आफ्टर द क्लॉक दिस, जहां ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये देखो 0 और ये 1, तो सम 1 होगा लेकिन कैरी अभी भी 0. व्हेन 1 0 इज देयर, देन ऑल्सो सम इज 1 एंड कैरी इज 0. व्हेन बोथ आर गोइंग टू बी 1, सम 0 होता है और कैरी 1. हैंस प्रूफ. इसी चीज को मैं तुम्हें, चलो it's a very like very normal thing, but I'm just letting you know when the software is going to run, what you need to do. इसको print screen लिया, यहाँ पे pent पे गए, ये तुम पहले भी कर paste किया. ठीक है, और ये select करके ये चीज तुम्हें लेनी है, और इसको यहाँ से cut करोगे, जहां पर भी paste करोगे वो paste हो जाए. ठीक है, अभी तो हम इसको अंडू कर रहे हैं. फाइन, इज इट क्लियर? ठीक है, हाफ एडर क्लियर है सबको? नाउ वंस आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस एंड लीविंग द मीटिंग, देन अगेन यू नीड टू रीज्वाइन विद इन अ 5 मिनट. सो फिर उसके बाद मैं फुल एडर कराऊंगी, एंड 1 और 2 प्रैक्टिकल आई विल एक्सप्लेन, वी विल डू ऑन सैटरडे. सैटरडे अपनी लैब जो है 10:30 ऑनवर्ड्स ही रहेगी. सैटरडे तक रितेश सर आ जाएंगे, देन ही इज गोइंग टू मैनेज. ठीक है.
आंचल आजनी, अंकित, यस मैम, अश्विनी, भावना, भावना नहीं है, दिशा, गौरव त्याग, कौन कौन है और मनदीप, प्रेजेंट मैम, नेहा, तन्मय, क्लासेस अटेंड किया करो तन्मय, मैम वंदना प्रेजेंट, ओके बेटा, ठीक है मैं अभी ये मीटिंग लीव कर रही हूँ, विद इन अ 2 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग मीटिंग, यू रीज्वाइन, अपन फुल एडर को डिजाइन करते हैं उसमें, और फुल एडर के बाद एक दो और प्रैक्टिकल आई विल एक्सप्लेन दैट विल परफॉर्मेंस आर, ठीक है।